वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे शुक्तो। इसके लिए कुछ सामग्री हमको चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सरसों तेल पे बनेगा, उसके लिए आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, लौकी ले लें थोड़ा सा ऐसे बड़े बड़े टुकड़े में कटे हुए, करेले ऐसे टुकड़े में काट लें, ड्रमस्टिक जो मूंगा होता है वो भाटा आप ऐसे स्लाइस छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। बड़ी चाहिए होगा हम लोगों को 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, हल्दी और करायत। तेल डाल लें, तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो आप बड़ी को इसमें फ्राई कर लें। इसे हल्का सुनहरा करके और इसको फ्राई करके निकाल लें। उसी तेल में ना हम लोग थोड़ा सा कढ़ाई डाल लेंगे और इस हरी मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। अब इसी में हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा हिला के ही बाकी जो भाटा, ड्रमस्टिक और जो लौकी हम लोगों ने काट के रखा था ये सब चीज़ हम लोग डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। और बाकी सारी सब्जियां डाल के इसी पे आप डाल लें थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर। सारी सब्जियों को डाल के आप नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा चला लें और चला के इसमें पानी डाल दें। इसको कुछ नहीं करना है, सब्जियाँ फ्राई ज़्यादा नहीं होनी है और इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी उतना डालें जितना कि आपके सब्जी को पकने के लिए रिक्वायर्ड हो। ये थोड़ी सी झोल वाली सब्जी है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाएं। और अभी सीजन चेंज का जब मौसम आता है उसमें करेला और ड्रमस्टिक बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, शुगर पेशेंट जो है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल तेल मसाले के बिना बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी। देखिए आप दबा के सब्जी को देख लें, ये देखिए अच्छे से ये कुक हो गई है, मतलब आपकी सब्जी करीब करीब बन के तैयार है। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने बड़ी फ्राई करके रखा हुआ था उसको डाल देंगे और साथ ही में हम लोग डालेंगे इसमें करीब 1 से 1.5 चम्मच आसपास शुगर फ्री। अगर आप शुगर फ्री के बदले शक्कर का यूज़ करना चाहते हैं तो आप करीब 1 से 1.5 चम्मच शक्कर इसमें डालें, लेकिन जो जिनके घर में शुगर पेशेंट हैं वो कृपया शक्कर ना डालें, शुगर फ्री ही डालें और इसको अच्छे से मिला दें। ये देखिए बड़ी भी अब नरम पड़ने लगी है, तो मतलब आपका जो सब्जी है वो बिल्कुल डन है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये गर्म चावल में आप घर के बुजुर्ग जो हैं उनको दीजिए, बच्चों को दीजिए, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसको हम लोग निकाल लेंगे और बनके तैयार है आपका तीतोर झोल। इसको आप खाइए और बताइए कैसा बना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो भी नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।